री इंटरेस्टिंग ऑल्सो सो हम लोग को जब भी घर में कुछ कलर करवाना है या कुछ भी करना है तो हम लोग को एस्टिमेट चाहिए होता है तो वो कैसे मिलेगा क्योंकि इट विल बी है एस्टिमेट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम ठीक है सो so, नाउ

2 pi r and square. So when I am simplifying it to it will become 2 pi r and it will be h plus r respectively. Thicke? So now I am substituting the value of r and h so it will be 2 pi into r. So r is equals to 9 and h is equals to h plus r means equals to 20 plus 9, it will be equals to 29. Matlab it will be 18 into 29 and into it will become pi. So I will be getting my final answer is equals to we can say one four six one six four zero Sorry, so it is 1640 and it will be having in you know, a centimeter square. Okay, so you can use a calcium for this solution or you can do it directly also. Okay, so now the next question for this we have given as it is okay, what we have given is we have given that the cone of a radius.

तो के हमेशा याद रखना कि इफ यू आर नॉट नोइंग द स्लान्ट हाइट ऑफ द कोन देन यू कैन नॉट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा वी आर नोइंग दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू इट विल बी पाई आर एल एंड बेस एरिया व्हिच इज गिवन लाइक दिस सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर देयरफॉर आई एम टेकिंग पाई आर कॉमन एंड माय आंसर विल बिकम एल प्लस आर ठीक है उसका मतलब कि मेरे पास आंसर मिल गया, आप, तो आप लोग कैलसी में मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल आ आ आंसर सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी एट पॉइंट सेवन फोर एंड इट विलीमी स्क्वायर इसका हम लोग आंसर हमारा सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इन आएगा ठीक है सो हम लोग को राउंड ऑफ करने की जरूरत इसलिए पड़ती है because हम लोग है ना एक आधा टाइल्स तो नहीं लेने जाएंगे ना कि बिकॉज मेरे को आधा ही रिक्वायरमेंट होगा तो आधा दूंगा मेरे को टोटल लेना पड़ता है इसलिए हमेशा राउंड ऑफ करने का जिम्मेदारी हमारी होती है ठीक है बट इफ यू आर लिविंग आंसर एज इट इज दिस पॉइंट देन इट इज ऑल्सो करेक्ट डजेंट मैटर्स टू यू नाउ Question number third, what is given in question number third as it is having a sphere of radius r is equals to 6 centimeters. So paas radius r is equal to 6, hai, and we are knowing the total surface area of sphere will be equals to 4 pi r n square. Therefore, 4 into it will be 3.14 into r square is equal to 6 ka square. Ho matlab ke 4 into 3.14 into 36. So you will be getting the answer is equals to we can say. 452.1, हमको लिखना नहीं है, इसलिए 452 एंड एरिया एंड एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है If सभी मीटर में होगा तो हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे बट इसमें सब कुछ सेंटीमीटर में है तो हम लोग यही लिखेंगे okay. Now, उसके बाद हम लोग का जो फोर्थ क्वेश्चन है तो डी क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है तो डी क्वेश्चन में दिया है हेमेस्फियर अब देखो फ्रेंड्स हेमेस्फेयर होता है ना तो वो स्वीयर का हाफ होता है बट हेमेस्फीयर एक और सर्फेस एरिया ऑफ हेमेस्फेर होता है पाई स्क्वायर बट जब मैं उसको बेस भी मेरे को एड करना पड़ेगा सो प्लस पाई आर स्क्वायर करता हूं तो मेरे को मिलेगा आंसर थ्री पाई आर से टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमेस्फीय टी एस एल बीक्वल टू थ्री पाई आर का स्क्वायर उसका मतलब कि 3 इंटू थ्री पॉइंट हमारे पास r 10 है

तो हमको इस ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना पड़ेगा ठीक है तो हमारे पास ऐसा हमको दिया है कि इट इज हैविंग टोटल एंगल इज इक्वल टू 60 मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 30 उसका मतलब कि हमारे पास रेडियस आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है तो हमको स्लानाइट फाइंड करना है तो एल का वैल्यू हमको फाइंड करना है उसका मतलब क्या टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू हमको पहले तो स्लानाइट चाहिए

डायरेक्टली सिक्स जीरो स्क्वायर लिख दिया एंड यू शुड ऑल्सो राउंड ऑफ द आंसर

For this question. इसमें खाली आपको टीएस करना था एंड टीएस को सब्स करना था वैल्यू ऑफ ए तो आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री हैड्रिकल वीट सिलो ऑफ फोर्टी मीटर अब सिलेंड्रिकल शेप बता ही दिया है तो मैं पहले सिलेंडर ड्रा ही कर लूंगा हमारे पास वीट सिलो है अब वीट सिलो को क्या करना है हमें तो उसका हाइट हमारे पास गिवन है इट इज 40 मीटर एंड हमको डायमी हमारा 20 है तो हमारा क्या होगा? तो कि रेडियस will be equals to 10 meter हो जाएगा, ठीक है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एक्सटीरियर वॉल मतलब कि ये वॉल पेंट करना एंड टॉप मतलब दो हमको चीज है प्लस हमारा एरिया ऑफ टॉप मतलब हमारा टोटल सर्फेस एरिया फॉर दिस क्वेश्चन and it will be plus pi r square so my answer will become 2 r sorry pi r will be taking common and answer will be 2h plus r uska matlab ke pi ka value 3.14 hai r ka value mere paas 10 hai and 2h matlab 40, uh, 40 to the 80 so 80 plus इधर 10 हो जाएगा and i will be getting 3.14 into 10 into it will be 90 answer will be equals to we can say 28 8 27.1 मीटर स्क्वायर जैसा हमको आंसर मिलेगा ठीक है अब देखो इसमें ये तो हमको फाइंड होगा कितना मेरे को टोटल सरफेस एरिया हमको पेंट करना है अब क्या तो क्योंकि हमको एक बात दिया है कि इफ 8 मीटर स्क्वायर काम करूंगा तो मैं 7.25 पॉइंट लूंगा मतलब कि 8 मीटर स्क्वायर का मेरे पास पैसे है 7.25 तो मेरे पास 2827.1 के कितने पैसे होंगे तो वी कैन राइट एस टोटल कॉस्ट

मतलब हमको जिस भी फॉर्म में दिया हो, जिस भी करेंसी में दिया उसमें हम लोग आंसर लिख देंगे तो इट क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फोर इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन हमको हाउ मेनी 15 सेंटीमीटर डायामी डायामी हमको 15 दिया है मतलब रेडियस क्या होगा हमारा रेडियस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर होगा एंड

हमारे पास सेवन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा ठीक है अब हम लोग आगे जाते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना कवर्ड होगा तो इट विल बी वन लैक हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है अपॉन सेवन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव विच इज अ रिक्वायर्ड फॉर इच एंड एवरी बॉल सो आई एम गेटिंग आंसर वन हंड्रेड एंड फोर्टी वन पॉइंट फाइव एंड इट विल बी बॉल्स और वी कैन से स्पीयर्स बट हम लोग पॉइंट फाइव को तो करेंगे ही क्या

either diameter 7 the so to r is equals to 3.5 and it will be having a square therefore when i am multiplying 240 into 4 into 3.14 and into 3.5 it will be having a square so my final answer for this will become equals to 369

उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है वो वीओ गिवन क्वेश्चन नंबर सिक्स एस कॉस्ट ऑफ मेकिंग 125 ये याद रखना 125 हमको दिया हुआ है एंड हमारे पास डायमीटर है सेवन एंड हाइट ये है मतलब मैं गिवन डाटा लिख देता हूं तो एन इज इक्वल्स टू 125 बोल सकता हूं आर इज इक्वल्स टू मैं 3.5 सेंटीमीटर बोल सकता हूं

so when i am taking pi r common it will be 2h plus r and this if i am multiplying with 125 because I 125 containers to make, so i will multiply by 125 karunga and if i am substituting value 3.14 into radius is equals to 3.5 into 21 za 42 42 plus 3.5 answer will be equals to 45.5

Okay, 1 meter square is equal to 4.5 therefore 6.25 equals to how much the total cost will be equals to 4.5 dollars into 6.25 and my answer will become equals to 28.15 and it will be having a dollars multiply 4.5 into 6.25 you will be getting answer as equals to 28.15 dollar with the total cost of making 125 cylindrical tennis container respectively now वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन हमें क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ इज गिवन मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हमको टोटल सर्विस एरिया नहीं फाइंड करना है हमको टोटल सर्विस एरिया दे दिया है हमें हमें अननोन क्वांटिटी कोई भी दिया होगा हाइट दिया होगा लेंथ दिया होगा हाइट स्लांटाइड दिया होगा कुछ भी हमको फाइंड करना होगा ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ स्पीय इज इक्वल टू फोर हंड्रेड मतलब हमको टोटल सर्वेस एरिया हमको फोर हंड्रेड दे दिया है हमको रेडियस फाइंड करना है तो ये एक है उसका रेडियस आर है सपोज करता हूं तो कि टी एस एज इक्वल टू फोर हंड्रेड टी ए सी का फॉर्मूला क्या होता है एंड एंड इट विल आर पाई नीचे चला जाएगा तो आर स्क्र इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन पाई मतलब

इफ सरफेस एरिया मेरा 2000 होगा रेडियस मेरा 10 होगा तो डेफिनेटली मेरा हाइट क्या होना चाहिए हाइट मेरा 21.8 सेंटीमीटर होगा तभी ये फुलफिल सभी कंडीशंस हो जाएगी ठीक है इसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है वी हैव गिवन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज दैट द दसाइज हाइट हमको फाइंड करना है अब स्लांट हाइट हमेशा है ना फिगर ड्रॉ करने की आदत डाल देने का बिकॉज फिगर ड्रॉ हो जाएगा सही से तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा अब मेरे पास बेस क्या है तो कि बेस इक्वल्स टू एट है एंड हमारे पास दे दिया है हमको कि हमारा जो एरिया है कि TSA इज इक्वल्स टू 850 ठीक है तो TSA हमारे पास 850 है उसका मतलब कि फॉर्मूला होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 850 देयर फॉर पाई आर मैं कॉमन ले लूंगा एंड इट विल बी l प्लस r इज इक्वल्स टू 850 ठीक है तो अब मैं L प्लस आर क्या हो जाएगा L प्लस आर इज इक्वल टू एट फिफ्टी अपॉन की वैल्यू 3.14 पॉइंट बिकॉज ये दोनों चीज में नीचे लेकर आ रहा हूं 3.14 पॉइंट वन एंड आर की वैल्यू है हमारे पास 8 तो हमको आंसर मिलेगा 33.8 थ्री पॉइंट इट विल बी हैविंग एट थ्री विल बी माई आंसर दर मेरे को L प्लस आर इक्वल टू थर्टी मिला एंड R की वैल्यू की तुमको पता है इट इज 8 दर L एल इज इक्वल

By substituting the value respectively, and you can get the answer. So we will also solve the NCRT book, we will solve the theories, we will solve the probability, statistics, all the arithmetic progression, coordinate geometry. So you can show or you can watch the videos regarding this, and we will be learn in a easiest way possible. Okay, so we are aiming for not to only just cram it or learn it we have to know what we are doing we have to apply it so you can subscribe our channel for a better updates and you can watch definitely the previous video this surface area and volume of a cube cuboid hemisphere cone cylinder everything we have given and uploaded the video on that so before watching this video you can watch that video for better understanding okay? Have a good day.